मिनी ऑटो जेसीबी वाला। एक गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। उसकी भूमिका नाम की पत्नी, पिंकू नाम का एक बेटा था। रवि कोई कामकाज नहीं करता था। रवि हमेशा अमेरिका में रहने वाले उसके भाई किरण को फोन मिलाकर, रे भाई, पिंकू को तुम बहुत पसंद हो रे, हमेशा तेरे बारे में ही बात करता रहता है। जानते हो, कल तो स्कूल में मुझे मेरे चाचा जी कपड़े खरीदने बहुत सारे पैसे भेजेंगे और साथ साथ नया क्रिकेट बैट, मिनी व्हीकल्स, शूज, सब के लिए पैसे भेजेंगे। मेरे चाचा जी कितने अच्छे हैं, कहकर स्कूल में बच्चों के सामने बोलता जा रहा था रे। वैसे वो ऐसे ही अभिमान से कहा होगा, भाई तुम कुछ सोचो मत, पैसे वैसे मत भेजो। यूं कहा किरण, अरे भैया, उसे मुझ पर उतना अभिमान प्यार है तो वो जो पूछा है वो मना कैसे करूंगा। रुको, मैं अभी आपको मनी ट्रांसफर करता हूँ, उसे जो जो चाहिए वो सब खरीद कर देना। यूं कहा रवि, भाई वैसे मुझे भी पैसों की तंगी है ब्रो, जरा साथ ही साथ उसके स्कूल फीस भी भेज दोगे तो नेक्स्ट मंथ तक तुम्हें लौटा दूंगा। यूं कहा। ये सब सुनकर भूमिका, ऐसे बच्चे के नाम को लेकर भाई को धोखा देना पाप है जी, यूं बोली रवि। जारी, मेरे भाई को तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्यों, यूं कहता था। ऐसे रवि भाई के भेजे पैसों से मजे करता था। एक दिन उसके घर पर अमेरिका से किरण पिंकू के लिए मिनी ऑटो भेजा। वो देखकर रवि भूमिका से, अरे ये ऑटो पिंकू के लिए है, ऐसे उससे मत कहो, इसे मैं चलाऊंगा। यूं कहा भूमिका, बच्चे के खिलौने से आप क्या करोगे जी, यूं पूछी रवि। मेरा भाई इस ऑटो के लिए बेकार में पैसे डाल दिया, वही पैसे मुझे बेचता तो अच्छा होता, इसलिए इसे वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है री। इससे एक अच्छा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। इस गांव में छोटे मोटे मिट्टी के काम के लिए भी टाउन से जेसीबी ला रहे हैं, उसके लिए हजारों रुपए किराया भरते हैं, इसलिए मैं इस ऑटो से एक मिनी जेसीबी तैयार करवाऊंगा, उससे रोज जुए के लिए मुझे पैसे मिल जाएंगे ना, कैसा है मेरा आइडिया। यूं कहा भूमिका, छी छी छी, आप जो बोल रहे हो वो तो सुनने के लिए इतना गंदा है, यूं कहा रवि। हैं, कोई कुछ भी सोचे, हमें क्या, यूं सोचा। दो दिन में रवि एक मिनी ऑटो जेसीबी तैयार करवाया। रोड के बगल में कीचड़ निकालने का काम लिया। उस मिनी ऑटो को ऑपरेट करके कीचड़ निकाल रहा था। इसी तरह उस मिनी ऑटो जेसीबी से ही छोटे छोटे मिट्टी के काम ये वो सब करने लगा। एक दिन अमेरिका से किरण रवि के घर अचानक आ गया। घर पर पिंकू अकेला था। किरण, पिंकू बेबी, सरप्राइज, यूं कहा पिंकू। ए कौन हो तुम, बोरिया बिस्तर के साथ सीधा घर के अंदर घुस गए, यूं कहा किरण। ओ तुम जब छोटे थे और झूले में थे तब मैं अमेरिका चला गया था ना, इसलिए तुम मुझे पहचाने नहीं होंगे, लेकिन मैं अपना नाम बताऊंगा तो तुम खुशी से उछलकर मेरे बगल में आ जाओगे, देखना। यूं कहा पिंकू। बा, कौन हो रे तुम, जल्दी बोलो, यूं कहा किरण। मेरा नाम किरण, तुम्हारे फेवरेट अमेरिका चाचू, यूं कहा पिंकू। फेवरेट चाचा, मेरा चाचा है ये मुझे पता ही नहीं था, तुम्हारा नाम भी मैंने कभी नहीं सुना, यूं कहा किरण को गुस्सा आया। ये क्या है बेटा, मैं जो कपड़े खिलौने बेचता हूँ वो लेते हो, हर साल तुम्हारे स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, और तो और तुम्हारे मोबाइल फोन का रिचार्ज, उसमें मौजूद गेम्स के लिए भी तो मैं ही पैसे भेजता हूँ ना, ऐसे में मेरे साथ ऐसा मजाक करना गलत बात है ना, यूं कहा पिंकू। ए क्या बात कर रहे हो तुम, मैं जिंदगी में खिलौना भी नहीं देखा, मेरे डैडी स्मार्टफोन में जुए में हार जाते हैं, उसके ऊपर मुझे फोन और उसमें गेम्स, देखने में तो तुम बच्चों को उठाकर ले जाने वाले लगते हो, रुको पुलिस को बुलाता हूँ, यूं कहा किरण का सर चकरा गया। इतने में भूमिका वहाँ आई। आकर, देवर जी आप आने वाले हो, उन्होंने खबर नहीं दी, यूं बोली किरण। अभी वो कहाँ है, यूं पूछा भूमिका। आपके भेजे ऑटो में घूम रहे होंगे देवर जी, किरण गुस्से में गांव में रवि को ढूंढते हुए जा रहा था। रवि एक जगह पर उस मिनी ऑटो जेसीबी में कचरे कुंडी के पास कचरा उठा रहा था। वो देखकर किरण, रे
यूं पुकारा रवि घबराकर ऑटो से उतरकर। क्या भाई ऐसे अचानक आ गए, खबर देते तो एयरपोर्ट आ जाता ना। किरण, एयरपोर्ट में किसमें आते थे रे? मैं बच्चे के लिए जो भेजा उस मिनी ऑटो में। रे पिंकू का नाम लेकर मेरे पास से पैसे लेते रहे, मजे करते रहे, घर वालों को तो कम से कम मेरा नाम तक नहीं बताए। कमीने, ये नाइंसाफी है। मैं देख नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। कहकर अपना शर्ट फाड़ने लगा। इस तरह किरण पागल बन गया। कुछ दिनों बाद उसी पागलपन से किरण उस गांव में पैसे पूछते हुए घूमने लगा। भूमिका, सोने जैसे भाई को अपने स्वार्थ के लिए पागल बना दिया जी आपने। अब आपके पास हम रहे तो जरूर हमें भी भीख मांगना पड़ेगा। चलती हूँ, कहकर पिंकू को लेकर मायके चली गई। रवि, बाप रे, अब मुझे तो खाना भी नहीं मिलेगा, कहकर सर पकड़ लिया।